गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ओमबीर सिंह, मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम न्यू एमबीएस एकेडमी। आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 10th स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि नाम से क्लियर है, ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राइगोनमेट्री। ट्राई मीन्स तीन, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। थ्री साइड्स का मेजरमेंट इसमें हम लोग करते हैं। अब थ्री साइड्स का जो पॉलीगन होता है दैट इज नोन एज ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में हमें पता है तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं। तीनों एंगल्स का जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं एंगल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ एंगल क्या होता है, दो रे से मिलकर बना होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ से दोनों रे क्या होते हैं, इमर्ज होती है। अब यहाँ पे इनिशियल रे है, ये आपका टर्मिनल रे है। यहाँ से एंगल जो है बना हुआ है, देखिए यहाँ से आपका इसमें कुछ एलिवेशन है, अब दैट एलिवेशन इज नोन एज एंगल। अब यहाँ पे जो एलिवेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोस्टली जनरली इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव एंगल। यहाँ पे जो एलिवेशन है वो क्या है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मोस्टली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एंगल बोलते हैं। अब इस एंगल को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए उसकी एक यूनिट होती है। यहाँ पर एंगल को हम लोग, एंगल के तीन यूनिट्स हैं जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं। फर्स्ट इज डिग्री, देन ग्रेड, देन रेडियन। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री मीन्स वन डिग्री। इसे मान लो हमें अगर एक हमें कंप्लीट एक सर्कल बनाना है, पूरा एक रिवोल्यूशन करना है, ध्यान से हमने स्टार्ट किया रिवोल्यूशन करना, तो अब अगर हम लोग इस रिवोल्यूशन का टोटल 1/360 पार्ट में डिवाइड कर दें, इसको 360 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर दें अगर, तो ये जो एक पार्ट है दैट इज नोन एज वन डिग्री। सेम इसी तरह ग्रेड में क्या होता है कि अगर हम लोग इस रिवोल्यूशन को 400 पार्ट में डिवाइड कर दें, 400 पार्ट में हम लोग इस रिवोल्यूशन को डिवाइड करते हैं, तो जो आपका एक पार्ट होता है दैट इज नोन एज वन ग्रेड। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देख रहे हैं, 1 grade इक्वल टू 1/400 ऑफ वन रेवोल्यूशन। रेडियन क्या होता है, अगर हम लोग एक सर्कल ले लें, एक सर्कल में हम लोग सेंटर से क्या करें, आर रेडियस का एक सर्कल लिया और इस पर ऐसे मूव करें, ए से बी, ए से अगर हम लोग इस तरह से बी मूव करें और ऐसे मूव करें कि जितना रेडियस उतना ही मूव करें, यानी आर्क की लेंथ में हम लोग आर ही रखें, ठीक है, तो जो एंगल यहाँ पर फॉर्म होता है, ये जो एंगल बना दैट इज नोन एज वन रेडियन। ओके, अब वन राइट एंगल, जैसे कि हमें पता है 360 डिग्री में ये पूरा का पूरा क्या होता है, सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो इसको अगर फोर पार्ट में हम डिवाइड करें तो एक पार्ट जो आता है 90 डिग्री का होता है, तो लिखा हुआ 1 right angle इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे यहाँ पर चूंकि ये 400 पार्ट में डिवाइड है, तो 1 right angle के 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 right angle इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 grade। वैसे यहाँ पर 1 right angle जो होता है वो क्या होता है, π/2, क्योंकि जो पाई होता है वो 180 degree होता है। ओके, 1 degree में इसी तरह 60 minute होता है और 1 minute में 60 seconds होते हैं। इस तरह यहाँ पे आएंगे तो 1 grade में 100 minute और 1 minute में 100 seconds होते हैं। इसी तरह 2π इक्वल टू 360 degree। अब अगर एक सिस्टम से जैसे डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट करना हो, ग्रेड से रेडियन में कन्वर्ट करना, तो ऐसे कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल है कि 1 revolution सबका ले लेते हैं। यहाँ पर एक रिवोल्यूशन में 360 degree हो रहा है, यहाँ पर एक रिवोल्यूशन में 400 grade हो रहा है, यहाँ पर एक रिवोल्यूशन में 2π angle बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो 360 degree है या 400 grade है और ये 2π है, ये सभी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब अगर डिग्री को डी से डिनोट कर दें, ग्रेड को जी से डिनोट कर दें और रेडियन को आर से डिनोट कर दें, तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू r/π/2। सबको 1/4 से सबको क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, सबको 4/4 से आप सबको क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो ये आ गया आपका d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू r/π/2। जैसा कि आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर में जो हम लोग कन्वर्जन करते हैं, c/5 इक्वल टू f-32/9 सेल्सियस से फारेनहाइट, फारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्जन करें, सेम इसी तरह से यहाँ से भी हम लोग ये कन्वर्जन कर सकते हैं। अब एंगल के बाद अब हम लोग आते हैं जरा ट्राइंगल पर। तो ट्राइंगल्स जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, तो होता क्या है देखते हैं हम लोग। ये हमने बनाया एक ट्राइंगल, एक हमने लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसको हमने बोला ये ओ है, ये ए है और ये क्या है आपका बी है, ठीक। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो हो गया आपका राइट एंगल, ठीक। राइट एंगल ट्राइंगल तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हाइपोटेनियस बोलते हैं। ओके, अब बचे दो एंगल, अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल, तो जो बाकी बचे दो एंगल हैं वो क्या होंगे आपके, एक्यूट एंगल होते हैं, यानी 90 degree से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो मान लेते हैं हम इस एंगल को ले लेते हैं थीटा। इस थीटा के लिए ये जो इससे अटैच्ड साइड है ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, और इस थीटा की जो सामने वाला साइड है ये क्या कहलाएगा, हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। यही अगर थीटा हम इस एंगल को, अगर हम लोग इस एंगल की हम लोग बात करते हैं, इस एंगल को हम लोग मान लीजिए अल्फा हम लोग ले लेते हैं, अब इस एंगल के लिए ये हो जाएगा बेस,
और ये हो जाएगा क्या हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस फिक्स होता है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हाइपोटेनियस ये एंगल्स एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल नहीं हो सकता। तो अगर ये साइड 90 डिग्री एंगल सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाला साइड भी क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है फिक्स होता है परपेंडिकुलर, और बेस एज एंगल एंगल के हिसाब से चेंज होते हैं। अगर ये एंगल लिया हमने तो ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल लिया तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब इस ट्राइंगल में तीन साइड है। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होता है जैसे कि नाम से ही क्लियर है रेशियो, अगर हम लोग इस तीन साइड्स का हम लोग अलग अलग रेशियो ले लें तो टोटल छह रेशियो बनते हैं। इन तीन साइड्स के छह रेशियो बनते हैं, छह रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब इनके रेशियो जैसे जैसे हम लोग लेते हैं अलग अलग रेशियो लेते हैं उसी हिसाब से अलग अलग इसको हम लोग क्या देते हैं नाम देते हैं। अब इसके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। अब देखते हैं जरा ये होता क्या है। ओके, तो जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम लोग बात करते हैं वो क्या होता है, एक होता है आपका इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, दूसरा हो गया हमारा इसको बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा, तीसरा हो गया इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, देन होता है हमारा कॉट थीटा, देन होता है हमारा सेक थीटा, देन होता है हमारा कोसेक थीटा। ओके, अब ये क्या है पंडित बद्री प्रसाद, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चाहिए, तो एस से क्या होता है साइन। अब साइन के लिए क्या है आपका यहाँ पे क्या लिखा है पी वाई एच दिख रहा है, तो पी वाई एच लिख देंगे यहाँ पे। सी से क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है बी वाई एच दिख रहा है, चलिए यहाँ पे बी वाई एच लिख देते हैं। डी से क्या होता है टेन होता है, टेन के लिए पी वाई बी दिख रहा है तो पी वाई बी लिख देते हैं, चलिए। ओके, अब जस्ट इसी का टैन का रिवर्स होता है क्या कॉट, इसका रिवर्स कर दिए जरा तो हो जाएगा बी बाई पी, इसका रिवर्स होता है ये इसका रिवर्स होता है तो सेक का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका एच बाई बी, और इसका रिवर्स यहां से क्या आ जाएगा आपका कोसेक का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका साइन का, तो साइन का ये हो जाएगा एच बाई पी। अब पी मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ओबी है, हाइपोटेनियस क्या है ए बी, ये हो जाएगा आपका ओबी अपन ए बी। इसी तरह यहाँ पे आएंगे बेस क्या है बी, बी से क्या है एओ है, और ये क्या है ए बी, ये हो जाएगा ए ओ अपन ए बी। इसी तरह से बाकी वाला हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, यू कैन राइट दैट अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये साइन के बाद एंगल ना लगाएं तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे भी नहीं इसको लिख सकते कि साइन अलग लिख दिया और ये थीटा यहाँ पे लिख दिया, बिना इस किसी एंगल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं ले सकते हैं, ठीक। अब जैसे जैसे थीटा चेंज करेंगे आपका साइन का वैल्यू अलग होता जाएगा, कॉस का वैल्यू अलग हो जाएगा, टेन का वैल्यू अलग हो जाएगा। है क्या ये है एक रेशियो, ठीक है साइड का रेशियो, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, हो सकता है इंटीजर आए, हो सकता है क्या आ सकता है पॉइंट में भी आ सकता है। अच्छा, जब भी आएगा यहाँ पे क्या आएगा हमेशा हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो रेशियो ले रहे हैं साइड का रेशियो ले रहे हैं, जीरो से 90 डिग्री के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये जो एंगल है जीरो से 90 के बीच में है, तो जीरो से 90 डिग्री के लिए जो हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे वो सारे क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे, ठीक। अब चलिए हम लोग जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार और इसको समझ लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, पी बाई एच, एस से साइन होता है साइन के लिए पी बाई एच, सी से कॉस होता है कॉस के लिए बी बाई एच, टी से टेन होता है टेन के लिए पी बाई बी। तीन जब निकल गया तो टेन का जस्ट उल्टा कॉट याद रखना होगा आपको, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। ओके, तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे यहां से निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पंडित फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इक्वल टू 3/5, एग्जाम्पल लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू 3/5, बाकी हमको अलग अलग और जो सारे फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए एक ट्राइंगल बना देते हैं, उसमें एक एंगल फिक्स कर देते हैं थीटा। अब आपको याद हो तो चलिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, याद है ये होता है पी ये होता है एच, यानी साइन के लिए क्या होता है पी बाई एच, तो साइन के लिए थीटा ये अगले लिया था इसके लिए परपेंडिकुलर ही होगा हाइपोटेनियस ही होगा, तो ये निकल गया परपेंडिकुलर, यहाँ से क्या दिख रहा है थ्री दिख रहा है, हाइपोटेनियस क्या दिख रहा है फाइव दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर आ गया और हाइपोटेनियस आ गया। अब ये चीज पता चले तो यहाँ से क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेस निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
तो यहाँ से हम लोग जो हमारा बेस है, बेस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते, तो आ जाएगा कि आपका 4 आ जाएगा। जब बेस 4 आ गया, बाकी अब आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, यहाँ से बी बाई एच। बेस क्या है आपका, 4 है, और हाइट क्या है आपका, 5 निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपका टेन थीटा पूछा गया है, तो टेन थीटा निकाल सकते हैं हम लोग। टेन थीटा क्या है, पी बाई बी, पी क्या है, 3 है, और बेस क्या है आपका, 4, 3/4 ये निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर हमको एक रेशियो दिया हुआ हो, तो उसकी हेल्प से हम लोग बाकी जो हमारे रेशियो है, 5 रेशियो है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बस हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल में जो दो चीजें दी रहेंगी, यहाँ से हम लोग देख लेंगे क्या दिया हुआ है, साइन दिया है, कॉस दिया है, टेन दिया है, ये देख लिया। यहाँ से देखने के बाद हम लोग उसको साइड्स को वहाँ पर डिनोट कर देंगे। देन तीसरी साइड हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, और तीसरी साइड वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो ये बिल्कुल ही बेसिक्स था। इसके बाद जो हमारी सेकेंड, इसका जो हम लोग सेकेंड पार्ट हमारा जो आएगा, उसमें हम लोग इसके और आगे की चीज़ें देखेंगे कि आगे और हम लोग कैसे, अब इस यहीं से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटीज हम लोग बनाते हैं, आइडेंटिटीज फॉर्म करते हैं। आइडेंटिटीज को फॉर्म करके भी हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकालना, ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें, तो आप इस नंबर पर 8354883536 कॉल कीजिए, या फिर आपको इस लेक्चर का एक असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट को कंप्लीट करके आपको इस नंबर पर अपलोड करना होगा। ओके, थैंक यू।